respected faculty and the dear students and other participants, also my dear viewers sitting at home and watching this show, welcome to all. DSC show jo hai, ye bahut se log samajhte hain ki kaise paisa banaya jaye usi ke bare mein baat karta. Lekin main is prakar se kahunga ki kaise kamyab ho zindagi mein, kaise successful rahe aur success ke maayne kya, parameters kya. Mere vichar se यदि हम जिंदगी में खुश हैं, अगर हम जिंदगी का एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो वही सक्सेस है. लेकिन हमको ऐसा भी देखने को मिला, एटलीस्ट मैं अपने तजुर्बे से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, कि ऐसे भी मौके जिंदगी में आए कि हमने अगर ठीक से अपनी बात को सामने वालों को नहीं कहा, अपना अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं किया, तो भी कई प्रकार की गलतफहमियां, कई प्रकार के फेल्योर्स इत्यादि इत्यादि सामने आते हैं. इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि कम्युनिकेशन का जिंदगी के कामयाब होने में या जिंदगी की खुशियां मिलने में कितना और कितना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, या एक केवल ये वर्ड है या केवल एक शब्द है. इस कम्युनिकेशन के मायने आप लोगों को क्या समझ में आता? हालांकि अगर आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि लैटिन भाषा में कम्युनिकेयर, CARE, कम्युनिकेयर को धीरे 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 उसको कम्युनिकेशन में बदला गया या बदल गया. कम्युनिकेशन मींस टू पार्टिसिपेट. आप कम्युनिटी में डिस्कशन कर रहे हैं, उसको कॉमन कर रहे हैं, या अपनी बात को, अपने मन की किसी भी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं. That is what the communication is. और एक बड़ी, अगर इस पे जो थोड़ा सा मैंने काम किया, रिसर्च किया, तो एक बात समझ में आई, अगर भारतवर्ष की पहली इलेक्टेड पार्लियामेंट अगर आप देखें तो 60% लोग उसमें जो थे वो लोग मेरे हिसाब से कम्युनिकेटर्स थे, लेकिन उनका प्रोफेशन जो था वो वकालत का प्रोफेशन था. मुझे नहीं पता आपको ये बात वाकई सही लगती है कि नहीं. यानी 60% पार्लियामेंटेरियन वकील लोग थे. यानी इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब वकील कोर्ट में खड़ा होता है और अपने मुवक्किल का, अपने क्लाइंट का जब वो पक्ष जज के सामने रखता है, उसके पास स्किल क्या है? दो स्किल उसके पास है, एक तो नॉलेज ऑफ द लॉ और दूसरा हाउ टू कम्युनिकेट, द कम्युनिकेशन स्किल. इन दो ही चीजों की वजह से वो कामयाब वकील या फेल्ड वकील बन जाता है. और इसी कड़ी को अगर एक कदम हम आगे लें तो हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये ही लोग ऐसे थे जो पब्लिक के साथ बड़े अच्छे रूप से कम्युनिकेट कर सकते थे, तो लीडर बन गए. गुड कम्युनिकेटर इज कैन हैव द कैपेबिलिटी ऑफ गुड लीडरशिप ऑल्सो. आपके मन में क्या इसके अलावा आता है, कम्युनिकेशन के मायने क्या? एवरी कम्युनिकेशन शुड हैव अ ऑब्जेक्टिव एंड द कम्युनिकेटर शुड गेट दैट रिजल्ट ऑफ व्हाट एवर ही वांट्स टू गेट. जी, संवाद हर व्यक्ति को आनंद से भर सकता है तो साथ में ही उसको दुख से भी भर सकता है. किसी छोटी सी बच्ची की किलकारी सुनिए, उस किलकारी को सुनकर के ही आपको इतना आनंद आएगा कि पूरे दिन की थकान एक सेकंड में गायब हो जाएगी. कबीर ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए. यानी शब्दों के अंदर वो जादू है जिनसे हम चाहें तो अपने आसपास के जहां को स्वर्ग में बदल सकते हैं, और यही वो बाण हैं जिनसे पूरे स्वर्ग को नरक में बदल सकते हैं. धन्यवाद. चलिए, बड़ा अच्छा. पर मेरा मानना है कि अगर हमारी जिस फीलिंग को भी अगर हम ठीक तरह से अगर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और हमारे सामने वाले समझ पा रहे हैं,
तो वो भी एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन करने के लिए हमें शब्दों, सपोज अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ या फिर इंग्लिश में बोल रहा हूँ और सामने वाले को ये दोनों लैंग्वेज नहीं आती है तो वहां पर ये फेल हो जाएगा। अगर हम ठीक तरह से कम्युनिकेट हम थ्रू एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं तो इन दैट केस सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो सकता है बिना शब्दों के। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड आंसर, वेरी गुड एक्सप्रेशन, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन अबाउट द कम्युनिकेशन। नंबर वन, जो आप कहना चाह रहे हैं वो सामने वाला समझे, उसी को उसी रूप से ले, और कम्युनिकेशन को जरूरी नहीं है केवल शब्दों से किया जाए। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके दूसरे एक्सप्रेशन, बहुत कुछ चीजें कम्युनिकेट कर देते हैं। बल्कि पहले तो ये कहा जाता था कि जो एक्सप्रेस करने के मोड्स शब्दों में थे ही नहीं, अगर प्रेम का इजहार किसी को करना है तो और बातों से करते थे, ना कि शब्दों से। कम्युनिकेशन या संवाद एक स्पेक्ट्रम लोएस्ट एंड पे जो है वो आपको कहता है कि कम्युनिकेट करो तो सही, बातचीत करो तो सही, संवाद करो तो सही, बात करो तो सही, और द अदर एक्सट्रीम थिंग इज कि उसका रिजल्ट समाज, देश सब पे क्या होता है, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कम्युनिकेशन। बाकी सब चीजें बीच में आ जाती हैं, चाहे वो मार्केटिंग है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, चाहे अपने बात को ठीक रूप से पहुंचाना है, चाहे किसी को कन्विंस करना है, ये सब चीजें इस एंड से लेके इस एंड के बीच में आ जाती है। कम्युनिकेशन इज ए वास्ट, वेरी बिग कैनवस। मैं अपना एक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे जैसे लक्ष्मी की कृपा ज्यादा होती जा रही थी परिवार पर, मेरे पर, बंबई में रहते हुए 1983 में जब बंबई गया तो एक घर लिया था, तो जैसे जैसे समृद्धि आती है तो घर में भी, और घर में बच्चे भी बड़े हो रहे थे, तो पत्नी का, बच्चों का रोज प्रेशर होता था कि बड़ा घर लो साहब, बड़ा घर लो। और मैं उनको एक बात कहता था, यार मैं हूं, घर में रहता हूं, और दो बेटे हैं मेरे, एक बेटी है, हम छोटे घर में रह के भी तीन तीन दिन आपस में बात नहीं कर पाते हैं, बड़ा घर ले लिया तो शायद 10 दिन भी बात नहीं कर पाएंगे। छोटे घर में आप आते जाते कहीं ना कहीं टकराएंगे, आपस में बातचीत होगी, हेलो हाय होगी, कुछ तो होगा। खैर, ये एक लाइटर वेन में बात हुई, लेकिन बहुत सी हम लोगों के जो एटमॉस्फेयर, वातावरण, जिसको कुछ भी कहें, हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते। भारतीय लोग टॉकेटिव भी नहीं है, कम्युनिकेटिव भी बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे नहीं पता आप इस बात से सहमत होंगे कि नहीं होंगे। सहमत हैं इस बात से? जी, आप क्या कहेंगे बताइए। यह सफल कम्युनिकेशन के लिए हमारे इंडिया में हमारी एक मातृभाषा होनी चाहिए। हम नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी अच्छी तरह बोलते, साउथ इंडिया में जाते तो तेलुगु बोलते, वहां इंग्लिश बोलते, इधर के लोग उधर जाते तो परेशान हो जाते, उनको सब्जी खरीदने के लिए भी टेंशन आती। मैं अब तक 16 स्टेट घुमा हूं तो मैं सारे ये देखता हूं, तो मराठी नहीं आती वहां, मुझे कुछ दिक्कतें आती। तो हमारे देश की एक मातृभाषा होनी चाहिए। पर इस बात से क्या कहेंगे जब एक कवि ने कहा, गाना गाया, बोल रे पपीहरा एक मन प्यासा एक मन तरसे, बोल रे पपीहरा। वो कवि पपीहरे को कह रहा कि मेरी बात मेरे बिलाउड तक पहुंचाइए। उस भाषा को क्या कहेंगे आप कहते देशभर की एक भाषा होनी चाहिए। हम वन इंडियन के नाम से मशहूर हैं, हिंदू हमारे एक देश है, हम वर्ल्ड में चार नामों से जाने जाते हैं। वो चार नाम हमारे बिहार से ही आता है, बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, आर फॉर रेवाखंड, ए फॉर आर्यावर्त, बिहार से ही आते हैं। ये आप अपने अब की बार अपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में जरूर लड़िए। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी एक हमारे पास कॉलर है, प्रणव पटेल जी है बड़ोदरा से। सर, आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, मीन्स आई एम जस्ट एग्जीक्यूटिंग द टास्क, ओके। सो आई हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट आई वांट टू डिस्कस विद समवन, ओके, टू माय हायर मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट।
So there is a communication gap between me and top management. So how can it be shortened that gap? और वो टॉप मैनेजमेंट आपकी बात नहीं सुनते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है. लेकिन ये क्या है सर, ये कम्युनिकेशन गैप हो गई है जो एक कॉमन ब्रिज के थ्रू सॉल्व होनी चाहिए. मीन्स वॉट एवर द टेक्निकल डिफिकल्टीज आई एम फेसिंग, आई कैंट टेल टू एनी वन दैट आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द वर्कलोड. आपने बताया क्या उनको? आपने कम्युनिकेट किया उनको? बट देर इज अ इग्नोरेंस एंड दैट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज दैट आई एम फेसिंग. जी जी, कोई आदमी आप में से कोई जवाब देना चाहेगा पटेल साहब की बात का? जी बताइए. जनरली दिस इज ए प्रॉब्लम, सो मेनी पीपल से दैट माई बॉस इज नॉट हैप्पी विथ मी, माई बॉस इज नॉट लिसनिंग मी, माई बॉस डजेंट नो व्हाट आई एम वर्किंग बिकॉज बॉस इज सो बिजी, ही इज हैविंग सो मेनी पीपल इन द टीम. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सबोर्डिनेट और द असिस्टेंट, ही हैज टू अप्राइज हिज बॉस व्हाट ही इज डूइंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू सक्सीड इन द लाइफ. तो यहां प्रोफेसर साहब ने ये बताया कि पटेल साहब के आप अपना प्रयास करिए ताकि आप उनको कम्युनिकेट कर सकें आपकी जो समस्या है. और कम्युनिकेशन का एक बड़ा जरूरी बात है कि जो बात आप कहना चाहते हैं उसको खुल के ठीक तरीके से और शांति बनाए रखते हुए, पेशेंस रखते हुए आप उनके सामने कहिए. मैंने भी कुछ साल अब्रॉड गुजारे हैं, 3-1 साल, एंड आई रियलाइज कि वहां पे कम्युनिकेशन बहुत इजी था. मेरे अरब फ्रेंड्स भी थे, मेरे चाइनीज फ्रेंड्स भी थे, मेरे थ्रू आउट द वर्ल्ड अफ्रीकन फ्रेंड्स भी थे, लेकिन कभी लैंग्वेज बैरियर नहीं बना क्योंकि कम्युनिकेशन में आई थिंक जो आप कह रहे थे कि कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, वैसे थ्रू आउट द वर्ल्ड अफ्रीकन फ्रेंड्स भी थे लेकिन कभी लैंग्वेज बैरियर नहीं बना क्योंकि कम्युनिकेशन में आई थिंक जो आप कह रहे थे कि कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, वैसे कम्युनिकेशन के फर्स्ट 3 वर्ड्स मुझे लगता है स्टैंड फॉर कंफर्ट. आपके आइडियाज क्लियर हैं जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सामने वाला समझ जाएगा. वापस आके मैंने जब दोनों वर्ड्स में डिफरेंस देखा तो ये पाया कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोकते हैं, बहुत ज्यादा इनहिबिट करते हैं. हम इस बारे में ज्यादा सोचते हैं कि सामने वाला हमारी बात सुन के कैसे रिएक्ट करेगा या उसे कैसे परसीव करेगा, रादर देन इस बात पे फोकस करना कि अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए और हमने कम से कम शब्दों में यही बताया कि हमें जो चाहिए तो पीपल उसे समझेंगे भी और उसे रिएक्ट भी उसी तरह उसके लिए करेंगे जैसा हम चाहते हैं. वेरी गुड. कि हम लोग कई बार एक इनहिबिशन में रह जाते हैं कि सामने वाला कोई सेंस ऑफ रिजेक्शन, सेंस ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स कम टू अवर माइंड, फियर कम्स टू अवर माइंड कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा. तो ये बात ठीक है आपकी, आपने जो कहा मेरा ख्याल से हमारे व्यूअर भी उन्होंने देखा होगा. जी, समवन सेड दैट वी शुड हैव अ यूनिफाइड लीडरशिप, अ यूनिफाइड लैंग्वेज लाइक चाइना डज. एंड माय क्वेश्चन टू यू इज दैट वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल विद ओवर 40,000 डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ आर ओन. दिस वेरी आइडिया दैट ऑल्दो वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड and yet we give this opportunity to every Indian that their language is heard and respected equally instead of having one unified language for the entire nation, something we should be proud of and fiercely protect. Main ek step aur aage jaunga isko kehne mein ki aaj bharat varsh united hai, there is a unity in diversity. Is desh ki itni bhashaen hain, itne alag alag wo hain जिसकी वजह से मेरे विचार से देश एक है. चाइना का आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते क्योंकि चाइना इज नॉट ए डेमोक्रेसी. सो इसके लिए आप उसको कंपेयर मत करिए. मुझे याद है कि जब 92 में हमने ये पहला प्राइवेट टेलीविजन शुरू किया और कुछ लोगों को अगर आपको ध्यान हो तो केवल एक बुलेटिन हम लोग एक एंटरटेनमेंट चैनल पर न्यूज बुलेटिन चलाते थे और वहां हमने अपने एडिटर्स को, स्टाफ को कहा कि सिंपल साधारण भाषा में बात करिए. तो उसमें कई जगह टेक्निकल जो वर्ड होते थे उसमें अंग्रेजी भी आती थी, हिंदी भी आती थी. तो उस दौरान में जैसे मैं आज जयपुर आया हूं, उस प्रकार से कई जगह जब मैं जाता था तो मुझे जूतों के हार पहनाए जाते थे ये कह के कि आपने भारतीय भाषा को बहुत बिगाड़ दिया, बिगाड़ रहे हैं. लेकिन आज यही भाषा
सिंपल भाषा, हिंदी ने भी बहुत से अंग्रेजी के शब्द लिए हैं, अंग्रेजी भाषा वालों ने भी हमारे हिंदी के बहुत से शब्द लिए हैं, ये बनती जा रही है। इसके लिए हमें पॉलिटिकल होना, इमोशनल होना मेरे विचार से कोई कम्युनिकेशन का भाग नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। और अगर आप कम्युनिकेट करना चाहें तो भाषा की कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती। इधर एक प्रश्न और है तो वो लेते हैं पहले। कम्युनिकेशन के बारे में ये कहना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन से पहले एक स्थिति आती है जो कि दिमाग में हम लोग, मैं क्या आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूं वो क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन करने से पहले प्रिपेयर योरसेल्फ। यस सर जी। इससे तो आपका पहली टाइम में कम्युनिकेशन ठीक होगा। यस सर जी। दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं अपने जूनियर से इंटरेक्ट कर रहा हूं तो मैं उससे पोलाइट से बात करूंगा ताकि मैं अपना कम्युनिकेशन पूरा कर सकूं। अगर मैं अपने से बड़े से बात कर रहा हूं तो मैं उससे रिस्पेक्ट से बात करूंगा जिससे कि मेरा कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाए। वेरी गुड, यू आर ए गुड कम्युनिकेटर लुक्स लाइक। हेलो सर। वेरी गुड, हाँ बोलिए। सर अबाउट कम्युनिकेशन आई जस्ट वॉन्ट टू सजेस्ट कि कम्युनिकेशन इज अ वेरी सिंपल थिंग, हम इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं पॉलिटिक्स में ले जाके ये वो। इट इज अ सिंपल टू वे प्रोसेस और लैंग्वेज एज माई फ्रेंड सेज कि एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, हम ये सब नहीं कर सकते कि एक कॉमन लैंग्वेज हम पूरे यू नो नेशन के लिए बना दें। तो कम्युनिकेशन हम ऐसे लाइक जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो अगर आपको हिंदी नहीं आती तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आप तब ये समझ जाते लाइक जिस वजह से मैं आपसे कम्युनिकेट करूँ। लाइक न्यू बॉर्न बेबी का एग्जाम्पल लिया, इट्स वेरी फैक्ट कि जब एक मॉम अपने बच्चों का समझ सकती है बिना उनके कुछ बोले, जब वो रोते हैं मतलब उनको भूख लग रही है, जब वो हंस रहे मतलब दे वॉन्ट टू प्ले, इसका मतलब कम्युनिकेशन बस एक लैंग्वेज या वर्ड से नहीं होता, एक्सप्रेशंस योर एक्शंस सब कुछ मैटर करता है। एंड बहुत अच्छे, हाँ जी बताइए, बोलिए भरतीय जी क्या प्रश्न है आपका। हाँ जी, पहले तो मेरी दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई है कि मैं इतनी बड़ी पर्सनालिटी से बात कर रहा हूँ। मैं अभी करेंट बिजनेस में हूँ लेकिन आज के डेट में जो नए टेक्नोलॉजी और जो नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं वो उस तरह का मैंने भी आज से 5-7 साल पहले प्लानिंग किया था लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो उसका बहुत रिग्रेट रहता है मेरे को कि मैं क्यों नहीं कर पाया। अगर मैं इस तरह का ई कॉमर्स साइट अगर 5-7 साल पहले चालू करता तो आज मैं शायद कहीं और होता, कोई बड़ा जगह में होता। फर्स्ट पॉइंट, तो इस रिग्रेट से कैसे उभरूं। और सेकेंड पॉइंट है, आज के डेट में करेंट लेवल में भी मुझे इमेंस अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं लेकिन मैं अपने करेंट बिजनेस से निकल नहीं पा रहा हूं। तो अपने इस बात को अपने स्टेक होल्डर्स को कैसे कम्युनिकेट करूं। मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज लगती है और आज के डेट में मैं 10 ऐसे बिगर आइडियाज में बैठा हुआ हूं। मुझे लगता है कि ऑल 10 आइडियाज आर मैसिव एंड ऑल आर ग्रेट, बट मैं उसको लाइक एक हो तो एक करेंट बिजनेस से निकल नहीं पा रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि उसको जो जैसे अभी मैं मेरे को उसमें फंडिंग तो स्टेक होल्डर कौन है, आपके स्टेक होल्डर कौन है जिनसे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं? स्टेक होल्डर पेरेंट्स हैं हमारे। अच्छा, और इन्वेस्टर्स भी हैं जो उन्होंने हमें कुछ फंडिंग भी दिया है। जो पीछे आपके साथ हुआ उसका रिग्रेट, उसके ऊपर मैं आपको एक कहानी याद दिलाना चाहूंगा कि एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठ के लहरें गिन रहा था कि कितनी लहरें आती कितनी चली जाती। वो गिनते गिनते भूल गया, रोने लगा। तो आप जैसे व्यक्ति ने जो पास से निकल रहे थे उन्होंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? साहब मैं सुबह से लहरें गिन रहा था, गिनती भूल गया। तो उसने ये कहा कि भाई गिनती दोबारा शुरू कर दो, ये लहरें तो रुकने वाली नहीं है, ये तो चलती रहेंगी, गिनती दोबारा शुरू कर दीजिए। तो आप जो 5 साल पहले करना चाहते थे नहीं कर पाए उसको अब कर लीजिए, कोई गलती नहीं है, उसका रिग्रेट मत करिए। दूसरी बात, स्टेक होल्डर को आप कम्युनिकेट कैसे करें, और आप नहीं कर पा रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट आपके पास 10 अच्छे आइडिया हैं बिजनेस के। तो मैं ये कहूंगा कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप में आत्मविश्वास की कमी है जिसके कारण से भी आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कई बार।
आदमी में जब आत्मविश्वास रहेगा, चाहे वो किसी प्रकार की बात कम्युनिकेट करना चाहते हो आप, बड़े अच्छे रूप से कर सकेंगे यदि अपने आप पर भरोसा करके और अपने आप पर विश्वास करके आप कम्युनिकेट करेंगे। मैं आपसे कुछ और बातें पूछना चाहूंगा, सवाल करना चाहूंगा। आप ऐसा कुछ लोगों के साथ, आपके साथ हुआ होगा, हमारे सबके साथ, हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो व्यक्ति 4 मील दूर बैठा है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं और खड़ा उसका फोन बजता है, इसको क्या कहेंगे आप? कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे, टेलीपैथी भी लव्स कह सकते हैं, लेकिन ये भी कम्युनिकेशन है। आपने, अगर आप इस बात को मानते हैं कि आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर है, अगर 100% आप कंसंट्रेट अपने पांचों तत्वों को एक जगह करके अगर कुछ सोचते हैं, वो चीज कम्युनिकेट होती है, पूरा होती है। आपने कम्युनिकेट किया कि हे, मैं तेरे से बात करना चाह रहा हूं, वो कम्युनिकेशन आपका बिना किसी वायर के, बिना वायरलेस के, बिना टेक्नोलॉजी के वहां पहुंचता है, वो उधर उस पर एक्ट करता है। एक सुबह मैं हिसार से निकलता हूं, मोटरसाइकिल था मेरे पास उस वक्त, मोटरसाइकिल पे पीछे मेरे साथी हैं, चंडीगढ़ जा रहा हूं, हिसार से चंडीगढ़ लगभग 250 किलोमीटर का रास्ता, और रास्ते में एक दोस्त के यहां रुके, वहां पे खाना वाना खाया, आगे चल दिए। अंबाला जब पहुंचा तो मोटरसाइकिल बंद पड़ गया, उस मोटरसाइकिल को मैकेनिक को बुला के भी दिखाया, धक्का भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन वो स्टार्ट होने का नाम नहीं लेता, आधा घंटा हो जाता है। और उसके बाद मन में ख्याल आता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मेरा ख्याल से वापिस चला जाए, हिसार वापिस चला जाए। और जैसे ही मैं उसको मोटरसाइकिल को ऐसे टर्न करता हूं वापिस, एक किक में वो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाता है, एंड आई स्ट्रेट कम टू माई हाउस इन हिसार। और पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं कि मेरी ग्रैंड मदर को बिस्तर से उठा के नीचे रखा गया है, दादाजी वहां बैठ के उनके मुंह में गंगा जल डाल रहे हैं और पाठ कर रहे हैं गीता का, प्राण नहीं छोड़ रही है वो मेरी दादी। और जैसे मैं अपना ये उनके सर के नीचे रखता हूं, विद इन 30 सेकेंड शी गिव्स अप, वो लाइफ में वो चली जाती, जान दे देती है। मेरे हिसाब से वो मुझे कम्युनिकेट करके उसने मुझे वापस बुलाया। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन के बहुत से तरीके हैं। एक पुराने जमाने में ट्राइबल्स जो थे वो नगाड़ों की भाषा से अपने मैसेज कम्युनिकेट करते थे। पिछले कुछ दशक पहले तक जो टेलीग्राफ की भाषा थी वो बिना उस भाषा को जाने हुए जो पोस्ट ऑफिस में बैठ के जो खट 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 करता था और दूसरी तरफ वो उसका लिख के और टेलीग्राम भेज देता था, वो भी एक भाषा थी, कोई भाषा नहीं थी उसमें। तो इस प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो कम्युनिकेशन के, लेकिन हमारे साथ ही कोई भाषा नहीं थी उसमें। तो इस प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो कम्युनिकेशन के, लेकिन हमारे साथ एक महिला कॉलर है पूना से, योगिता वानी, पूना से हम उनकी बात लेते हैं फिर वापस आते हैं। जी कहिए योगिता जी। नमस्ते डॉक्टर सुभाष जी। हाँ नमस्ते, बोलिए क्या प्रश्न है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लेबर्स जो भी हमारे इधर काम करते हैं उनके साथ कोऑपरेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। जिस तरह से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, एक बारी वो परफेक्ट हो जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, इमिडिएटली दे लीव द जॉब एंड यू नो जस्ट अ फ्यू पर्क्स हाई दे लीव द जॉब एंड गो टू समवेयर एल्स, सो इट एंड अगेन वी हायर सम अदर लेबर्स, अगेन द सेम थिंग, दे गेट ट्रेन एंड दे लीव अप। सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लाइक ऐसा हो गया कि इट बिकम अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इट कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में कमजोरी है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की वीकनेस है,
जिसके हुँ? कारण से आप अपने स्टाफ को नहीं रोक पाती हैं। स्टाफ को रोकना वो क्या करते, दे इमीडिएटली वांट हाई इन देयर पर्क्स, इमीडिएट हाई। हमारे यहाँ करीब 12,000 लोग काम करते हैं हमारे ग्रुप में, और केवल पैसे के कारण से ही लोग काम करते हैं ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पा रही अपनी संस्था के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और वो आपके कम्युनिकेशन की कहीं ना कहीं कमजोरी है। आप उनको अगर विश्वास दिलाएंगे कि भाई आप यहां काम करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए हम रखेंगे, आपकी कुछ कमी होगी हम आपको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़ के देखिए, लंबे काम करिए, आई एम श्योर कि आपके कुछ लोग साथ आपके हैं जो दूर काफी समय से आपके साथ काम कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि वो आपके लंबे समय से क्यों काम कर रहे हैं, वो आपको कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बताएंगे, उसको अगर फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड विश यू गुड लक। आई लाइक टू नो समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस, टू क्वेश्चंस आई हैव। फर्स्ट क्वेश्चन, when you know in a conversation with your subordinates, how much percentage of time do you give to them listening and why, number one? Number two, you have such an illustrious business career, right? In this time period, what kind of barriers of to communication did you have? Can you please share your experiences on these two issues? Thank you. Pehle main aapko dusre sawal ka jawab dunga. एक समय था आज से 10-15 वर्ष पहले तक कि मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ ठीक था ही नहीं, अपना मैं टेंपर लूज कर जाता था, मैं ये समझता था कि मैं जो कह रहा हूं उसको समझना वो उनका एक फर्ज है, उनकी ड्यूटी है, प्रकार से मैं कम्युनिकेट करता था, इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता था, जिस कारण से जैसे अभी जो महिला ने कहा वैसे हमारे यहां भी टर्नओवर भी ज्यादा थी, और यहां तक एक समय आया कि जो सुबॉर्डिनेट मेरा मेरे कैबिन में वॉक इन करता था और मैं क्या कह रहा हूं वो सुनना तक लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि एक फियर साइकोसिस या दिमाग में उनके मन में मेरे प्रति जो घबराहट या डर जो होता था वो उनको सुनने ही नहीं देता था। तो ये जब हमने डायग्नोज किया कि भाई आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट, तो मैंने उसको अपना धीरे धीरे अपने आप को सीख के ठीक किया। अब मैं समझता हूं कि आई एम एबल टू कम्युनिकेट नाउ, उसके कारण से बल्कि मैंने अपना एक्सपीरियंस से छोटी सी किताब हमने बनाई, उसका नाम भी हमने दिया संवाद, वो सबको दी। अब उसको हम फॉलो करते हैं एज ए हमारी एचआर पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पॉलिसी, बल्कि आप में से भी कोई चाहे तो उसको यू कैन डाउनलोड फ्रॉम अवर वेबसाइट, संवाद उसका नाम है। और जहां तक सवाल रहा कि कितना समय हम देते हैं, उसका यही जवाब मैं कहूंगा कि आई लाइक टू स्पेंड मोर टाइम विद माई बेस्ट परफॉर्मर्स एंड आई डोंट वेस्ट माई टाइम ऑन नॉन परफॉर्मर्स। That is my own communication policy. एक ऐसा कल्चर जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डांस फॉर्म्स, लैंग्वेजेस, आर्ट फॉर्म्स, थिएटर आर्ट्स, म्यूजिक, क्लासिकल रेप्यूटेशन है, इतने सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके बावजूद भी अगर हमारी सोसाइटी कहती है इट इज अ रिस्ट्रिक्शन, इट इज एक्चुअली अमेजमेंट टू मी। एंड सर, अगर हमें ये लगता है कि ये रिस्ट्रिक्ट किया जाता है हमें कम्युनिकेशन से, तो सिर्फ ये एक टाबू है इन माई ओपिनियन। I would like that. I would like your opinion on this. ये एक बड़ा आई वुड से झगड़े वाला सवाल है। देखिए, जहां तक जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, ये सही है कि वो भी एक कम्युनिकेशन टूल है। स्टोरी टेलिंग के लिए आप डांस फॉर्म में भी स्टोरी बता सकते हैं, म्यूजिक फॉर्म में भी बता सकते हैं, अपना एक कोई तस्वीर बना के भी बता सकते हैं, स्केच बना के भी बता सकते हैं, कई तरह से आप अपना कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन जो सामाजिक
और आपसी रिश्तों के संबंधों की जो बात है वो इन चीजों से कम्युनिकेट नहीं हो सकती। उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ वर्बल डायलॉग करना पड़ेगा, और उसके लिए एक समाज के जो रीति रिवाज जिसको हम विश्वास करते हैं, रटी रटाई बात के ऊपर हम चलते हैं, उस कारण से अब एक आज भी राजस्थान में, हरियाणा में, नॉर्थ इंडिया में, मुझे नहीं पता साउथ में क्या स्थिति है, लेकिन जो बहू घर में आती तो वो घूंघट यहां तक रखती ही रखती है, और जल्दी से मुझे पता, मैंने देखा कि मेरी मां कभी भी मेरे दादाजी के सामने बोलती नहीं थी। वो अगर उनको कुछ कम्युनिकेट करना होता तो एक बच्चे को बुलाती थी, बच्चे को कहती थी, वो सामने दादाजी को बोलता था। इवन जब यहां तक कि हमने देखा कि वो शायद आमने सामने कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन वो कह रही है बेटे तेरे दादाजी से ये बात कहे कि ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन फिर नहीं करते थे। तो इस प्रकार की, और फिर हमें कहा गया बार बार बड़ों के सामने नहीं बोलना, आंख आंख से आंख मिला के बात नहीं करना, वो एक बदतमीजी है, ये है, कई तरह की भ्रांति, कई तरह की धारणाएं समाज में, देश में हैं। अब वो ठीक गलत उसके भी अपने कारण है, बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन ना करने को बढ़ावा दिया जाता रहा है पीछे समय में, इसमें कोई दो राय नहीं। What I feel that we all know how communication is important for us today, but I feel that because of some technologies or some of the advancements in social media, people have become very narrow. Even I am also much into social media. So I want to ask that is it communication through social media more effective, or communication to people like face to face is more effective? Face to face is more important, obviously. देखिए विडंबना है आज एक सोशल मीडिया की, मैं कई घरों में जाता हूं, डिनर टेबल पे छह लोग बैठे हैं, और यहां तक हमने देखा है कि वो उस पे लगे हुए हैं और आपस में बैठे हुए भी उसी पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस टेबल पे बैठे हुए। होता है, आप करते हो? हाँ, ये एक कम्युनिकेशन जो है हमारे बीच में लगभग ब्रेक डाउन हो चुका है, जहां घरों में आज देखते हैं हम चार लोग हैं परिवार में, जल्दी से कम्युनिकेशन नहीं है, उसकी वजह से बहुत सी गलत फहमीज उठती हैं, बहुत सी गलत बातें हो जाती हैं, ये हर घर की कहानी है। हाँ, दीपक सिंह वाराणसी से हैं हमारे बीच में, जी बताइए दीपक जी। हाँ सर, मैं एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ, मुझे अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए, सो दैट मैं अपने बिजनेस पार्टनर और नए बिजनेस पार्टनर और अपने फैमिली को भी कन्विंस कर सकूं, इसका इसका कैसे मतलब इसको हम प्रोग्रेस में कर सकते हैं, ला सकते हैं? अपने आप में विश्वास जगाइए, और वो विश्वास के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो वो जरूर सुनेंगे आपकी बात, लेकिन अपनी बात को ठीक से कहने का तरीका समझिए और फिर उसको बताइए। अभी तक हमने जितनी बात करी वो प्रोफेशनल मतलब कम्युनिकेशन की बात करी, अगर हम फैमिली की बात करते तो सर कम्युनिकेशन गैप आज की डेट में इतना ज्यादा हो गया कि दैट हैज रिजल्टेड इन जनरेशन गैप एज वेल। टेक्नोलॉजी ऑल्सो इज अ फैक्टर जिससे जनरेशन गैप हो गया। आज बच्चे अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करते हैं, पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। सो आई थिंक देयर शुड बी एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स। देखिए एक कहावत है, ये बड़ी अच्छी, आप सुनेंगे, बाय द टाइम द सन रियलाइजेज दैट हिज फादर वॉज राइट, ही हैज ए ग्रोन अप सन हु फील्स दैट हिज फादर इज रॉन्ग। गैप, जनरेशन गैप सदियों से चला आया है, आगे भी चलता रहेगा, लेकिन इसलिए मैंने उस यंग आदमी को मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी इस कम्युनिकेशन का सोल्यूशन नहीं है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच का कम्युनिकेशन का सोल्यूशन टेक्नोलॉजी नहीं है,
बल्कि आपको वन टू वन बात करनी पड़ेगी, आपको कुछ समझना पड़ेगा। एज ए जनरेशन गैप डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि मेरे पिताजी या मेरी माताजी मेरे से 30 साल बड़ी हैं, वो आज के युग की बिहेवियर पैटर्न को नहीं समझ रही है, उन्होंने एमटीवी का कल्चर नहीं अडॉप्ट किया, उन्होंने गूगल पे सर्च नहीं किया, उनको ये नहीं पता है ये बातें। ये आपको भी मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और उनको भी ये मानना पड़ेगा, पेरेंट को, एज ए पेरेंट मुझे भी समझना पड़ेगा कि भाई मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा जानते हैं, मेरा जो अहम है, अहंकार है, उसको मुझे भी थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा शायद मेरे से ज्यादा जानता हो, मुझे उसकी सुननी चाहिए। तो ये दोनों चीजें जब होंगी तो कोई क्लैशेज नहीं होंगे, मेरा ऐसा मानना। देखिए एक एक छोटा सा गेम, कोई किसी के पास कागज पेंसिल है तो करके देखिए जरा, ए टू जेड लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच लाइक दैट, जेड तक लिखिए फटाफट, और उसके नीचे उनके नंबर लिखिए, ए का एक नंबर तो जेड का नंबर आएगा शायद 26, वो लिख लिया। उसके बाद नीचे उसके लिखिए हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के नीचे अगर आप उनके नंबर लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे 100 आएगा, करके देखिए। हाँ क्या हुआ है, 100 आता है तो किया नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप, नहीं आएगा। 98 आएगा। और उसके बाद अगर लिखेंगे एटीट्यूड तो उस पर 100% काम होगा, एटीट्यूड का नीचे आएगा 100। अगर हम सब लोग अपना एटीट्यूड बदल लें कि हमको कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन की वजह से मुझे कोई गलतफहमी नहीं पैदा करनी, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से अलग ना हटना पड़े, बॉयफ्रेंड से अलग ना हटना पड़े, मियां बीवी का आपस में झगड़ा ना हो, बाप बेटे का ना हो, मां बेटे का ना हो, तो ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। और इसके साथ ही मैं आप सबसे कहूंगा कि आज का शो कैसा लगा मुझे लिख भेजिए, और जैसा आपने यहां देखा, मेरे विचार से हमको अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। चाहे आप डीएससी शो देख रहे हो, चाहे और टेलीविजन शो देख रहे हो, आपस में बात जरूर कीजिए, एक दूसरे की बात समझिए, एक दूसरे को समझाइए और समझने का प्रयास कीजिए। यही इस आज शो का एक निचोड़ है, एक दूसरे को समझना और समझाना, संवाद करना, बात करना। उस बात से बहुत सी समस्याओं का हल अपने आप निकल जाता है। जहां आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो समस्याएं उलझ सी जाएंगी, कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। यही लाइफ का निचोड़, आज के एपिसोड का निचोड़ है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाषचंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला एसएमएस करा, डीएससी स्पेस द्या, तुमचं नाव टाइप करा आणि पाठवा 57575 वर। तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर। Z24 तास रहा एक पाऊल पुढे।